Really yes. मतलब वो क्या होता है ना एकदम से पूरा चीज इंस्पिरोन से same and how i know <laughs> it's not constipation we know what is the meaning of constipation it's

आपको बस इतना करना है कि उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है ओके okay, इजी है। अरे कन्वर्जन करना तो हमें यूं आता है मीटर से किलोमीटर कर लेते हैं। Translate. बहुत Translate. है, हमारे लिए। कोई दिक्कत नहीं। ये आपके सामने। तुम थी मेरे में अच्छा इसका <laughs> करना है, तो तुम कहा थी? हाँ तो

from बहुत सारा टाइम द इनफ टाइम आप लोगों को ये सही लग रहा है क्योंकि ये हाँ। थोड़ा सही गलत है बस थोड़े हेल्पिंग वर्ब्स मिसिंग है थोड़ा टेंस गलत है बाकी सब सही है तो बेसिकली so मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ मैं कब से सो आई हैव बीन ओके सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट कि मैं बहुत टाइम पहले मैंने इंतजार करना चालू किया और मैं अभी तक करे जा रहा हूँ और इंतजार का कुछ हो नहीं पा रहा है बिल्कुल नहीं हो पा रहा है नहीं हो पा रहा है एग्जैक्टली सो दिस विल बी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस जहाँ पे एक कोई एक्शन जो है पास में स्टार्ट हुआ एंड इट इज स्टिल गोइंग ऑन सो आप बोलोगे आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू आप बोल जाओ बहुत टाइम से सो विल से सिंस लॉन्ग ओके ठीक है इट वुड बी सो द आंसर इज आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू सिंस लॉन्ग ओके वे मैं लॉन्ग तू भी लाइट सी गाना याद आ गया मेरे ओके बैड जो वेरी बैड जो हाँ मैं तुम्हारे पीछे था ये oh, nice. तो बहुत सिंपल है यू बता दूंगा मैं मतलब आई तुम्हारे मतलब यू uh, पीछे मतलब बिसाइड और बिहाइंड दो वर्ड मेरे को आते थे दोनों में से एक यहाँ पे लगेगा आई नो तो आई uh, मैं तुम्हारे आई यू बिसाइड हाँ आई यू बिसाइड मैं तुम्हारे पीछे था ये परफेक्ट है मैम प्लीज ऐसे मूव बनाए करो अच्छी इंग्लिश बोलता हूँ आई यू बिसाइड बिल्कुल गलत है ये <laughs>

परफेक्ट अगेन इन्होंने भावनाएं बदल दी हैं जी सो so, मेडिटेट मतलब ध्यान करना ध्यान देना okay. मतलब तुमने नोटिस नहीं किया ओके okay. अब क्या होगा सेंटेंस यू डिडंट नोटिस वेरी गुड यू डिड नॉट इवन नोटिस ये जबरदस्ती के अपने एक्स्ट्रा वर्ड इवन क्यों लगाना यहां पे अच्छा ही आ गया इसलिए इंटेंसिटी तुमने ध्यान ही नहीं दिया यू डिड नॉट इवन नोटिस ना? जैसे राहुल सर है वेडिंग या। राइट और ये सारे जो सेंटेंसेस से ना मैंने राहुल सर को सोच के बिल्कुल नहीं लिखे हैं झूठ आप मतलब देख रहे हैं कितना बोला जा रहा है अभी, अभी आगे देखना रुको हाँ हाँ। मुझे कुछ कहना है हमेशा कहना है लेकिन ये बोलने कहाँ देती हैं आप देख रहे हैं आज के सेशन में कुछ मतलब सम आई स्पीक सम होता है ये तो अच्छा मतलब सम होता है आई मुझे कुछ कहना है मतलब हाँ। मैं कुछ कहना चाहता कहने को हम हम इंग्लिश में बोलते हैं yeah? yes. so, हैं नहीं नहीं आएगा यहाँ tell नहीं आएगा लैंग्वेज के लिए यूज़ करते हैं, और टेल हम बताने के लिए यूज करते हैं जब दो लोगों में कॉन्वर्सेशन रहा okay. है सो so, यहाँ पे क्या आएगा आई से समथिंग अगर इसकी जगह सेंटेंस होता है मैं कुछ कहना चाहता हूँ तब तब आई वॉन्ट want... टू से समथिंग एग्जैक्टली एक तो सही राइट right. yeah. ये सही नहीं हुआ है ये मैंने बताया था और इसके बाद सही हुआ है ठीक है इस पॉइंट को बिल्कुल नहीं माना जाएगा। प्लीज हाफ पॉइंट दिया जाना चाहिए ओके okay. मुझे उससे बात करनी है बहुत दिनों से उसकी मम्मी फोन <laughs> नहीं दे रही मुझे उससे बात करनी है आई वॉन्ट टू कॉल हर नहीं नहीं हाँ बात करनी है कॉल दो लोगों में कॉन्वर्सेशन होता है तो व्हाट डू वी से बताया था आई वॉन्ट टू टॉक

हाँ ठीक है चलो चलेगा कुछ नहीं है इनमें शायद वो आज आए शायद वो आ जाए आ, शायद मतलब होता है फिफ्टी फिफ्टी चांस है तो फिफ्टी फिफ्टी चीज कमिंग टुडे शायद मतलब कंफर्म नहीं मैम अब तो ठीक है प्लीज थोड़ा तो है ना तो यहाँ पे जो है हम मॉडल वर्ब यूज करने वाले हैं मॉडल वर्ब मतलब जैसे अगर 50 50 परसेंट चांसेस है तो विल से शी माइट कम टुडे

क्या नहीं, नहीं, <laughs> कुछ नहीं कुछ नहीं करेंगे <laughs> अगर हाँ। वो नहीं आई देखो पहले से डरा दे अगर वो नहीं आई तो वॉट इफेंट कम शी ये राहुल आपका क्या ये आप मेंशन कमेंट सेक्शन में जी ओके okay. मेरा तो डेली ही टूट जाएगा ये देखो अच्छा हाँ, <laughs> मेरी और राहुल सर की कोई कॉन्वर्सेशन नहीं हुई है मैंने राहुल सर के सेंटेंसेस को यहाँ नहीं लिखा है ठीक है आप लोग देख रहे हैं कैसे झूठ बोला जा रहा है नहीं नहीं ये राहुल सर कहाँ कहते वैसे राहुल सर आपने कहा था क्या मेरा तो दिल ही टूट जाएगा नहीं, वो नहीं तो। कुछ चीजें कही नहीं जाती मैडम फील की जाती है चलिए मेरा तो दिल ही टूट जाएगा माई द बोन्स ऑफ माई हार्ट वुड ब्रेक यस टूट जाएगा ना तो बोन्स हाँ. मेरे हार्ट की हड्डियां टूट जाएंगी यस yes. नहीं नहीं मेरा दिल टूट जाएगा ना हाँ माई हार्ट वुड नहीं माई हार्ट वुड ब्रेक हाँ

मुझे जोर की भूख लगी है ये इनका सेंटेंस है देखो ये, yes, हाँ, और मुझे कैट खानी है बिल्कुल आप जाइए यहाँ पे एड्रेस दे रहे हैं आपको आगे से राइट लेके दुकान है वहाँ पे खा लीजिए मुझे जोर से भूख लगी है आई एम uh, जोर से मतलब uh, जोर से। I am very, very, very hungry. Yes. आई विश आई विश मेरे स्टूडेंट्स जो हैं ये वेरी वर्ड को अपनी लाइफ से थोड़ा साइड में लगते हैं दे इज राइट बट नहीं नहीं नहीं, नहीं, नहीं। <laughs> तो जब आपको लिटरली बहुत जोर से भूख लग रही है और इस पे मैं आपको ऑलरेडी ये सारे वर्ड्स बता चुकी हूँ आपने सर आपने ध्यान नहीं दिया बहुत जोर से भूख लगी यू कैन सिंपली से आई एम स्टाविंग

मेरा जो पेट है उसमें बहुत जोर से चूहे कूद रहे हैं ठीक है famished s f a m i s h e d सो हियर यू कैन सिंपली से आई एम स्टार्विंग और आई एम famished ये देन हमेशा आलू क्यों बनाते हैं ये तो हमारे घर पे होता ही है तो हमेशा मतलब ऑलवेज ठीक है व्हाई ऑलवेज कुकिंग पोटैटोस परफेक्ट

<laughs> uh, ये पापा यूज करेंगे बिल्कुल तो हाँ ये पापा, हर सब के पापा अपनी मम, मतलब उनकी मम्मी से नहीं उनकी वाइफ से? से कहते हैं ना तुम तो हाँ. मेरी बात ही नहीं सुनती हो वैसे भी ऐसा yes. होने वाला है, so, है कम से कम बोल तो सकते ही हो uh, तुम तो मेरी बात ही नहीं सुनती हो नेवर एवर लिसन यू मी वेरी गुड यू नेवर एवर मतलब भावनाएं लगा दी आपने

ये वेरी क्लियर क्लियर इतना ज्यादा यू नो लिटरली है ना नहीं। uh, कुछ भी करने का मन नहीं है अरे हाँ। रोज की कहानी। <laughs> इसका <laughs> मीनिंग बताना इंग्लिश में आज हार्ट इज नॉट वर्किंग परफेक्ट मेरा दिल आज काम नहीं कर रहा है तो फिर जिंदा कैसे हम तो गलत हो जाएगा मतलब ये बिल्कुल गलत हो, और हो गया और आपका दिमाग काम नहीं कर रहा होगा जो मैंने बोला माय इंग्लिश सुसाइड? डायलॉग डाय तो आज मेरा कुछ भी करने का मन नहीं ट्राई करते दिल कुछ नहीं कर रहा है आज मेरा दिल कुछ नहीं कर रहा है कुछ करने को नहीं कर रहा है आज मेरा कुछ करने का मन नहीं है मन नहीं है तो इसका आंसर वुड बी आई डोंट फील लाइक डूंग एनी टूडे आपका कुछ करने का मन नहीं है मतलब यू डोंट फील लाइक डूइंग एनीथिंग टुडे क्लोज वेरी यस वेरी क्लोज एक्सट्रीमली क्लोज इट वाज राइट तुमसे मिले हुए दो दिन हो गए हैं ओहो oh, oh. तुमसे मिले दो दिन हो गए हैं इट हैज बीन टू डेज सिंस यू पास्ड अवे नहीं टू डेज हाँ तुमसे तुम्हारे पास आके दो दिन हो गए तुमसे मिलके दो दिन हो गए हां इट हैज बीन अभी पास तो भी been... मतलब वो अल्लाह को प्यारा हो गया नहीं तौबा तौबा एग्जैक्टली सो व्हाट वुड वी से तुमसे मिले हुए दो दिन हो गए स्टार्टिंग बिल्कुल सही थी इट हैज बीन टू डेज सिंस सिंस

इसमें भी अगेन you know, no oh, yeah, तुम्हें किसी चीज़ का कोई फर्क नहीं पड़ता मतलब nothing matters to you. बहुत simply आप ये इतने से four words बोल सकते हो and you can just Example. Message. Example. मुझे तो हर चीज का बड़ा <coughs> फर्क पड़ता मेरे, है मेरे पर कुछ दया का फर्क पड़ता तो तो है आ आ रही रही है थोड़ी देर में और आएगी मैं उसे कैसे समझाऊँ अरे ये तो मेरा फेवरेट सेंटेंस है मैथ्स के टीचर हम लोग तो हाउ डू हाउ uh, डू नहीं हाउ डू कैसे डू तो करना होता है सर हाउ डू आई एक्सप्लेन एक्सप्लेन मतलब किसी चीज को थियोरिटिकली समझाना वो एक तो करना है समझाना है ना उसको सर हाउ डू आई मेक हर अंडरस्टैंड ठीक है तो यहाँ पे हम यूज करेंगे वर्ड अंडरस्टैंड एंड रिमेंबर नेक्स्ट वी है कुछ समझ नहीं आता उसको कुछ समझ नहीं आता नॉट वेरी इंटेलिजेंट इसका मतलब वो बहुत ज्यादा बुद्धिमान नहीं है

प्लीज तुम लोग पार्टी मत करना बट आई एम श्योर दैट यू रियली डिड वेल एंड डोंट वरी दिस इज नॉट येट ओवर बिकॉज आई हैव गॉट अ लॉट ऑफ ऑफेंसेज एंड वी हैव सर सो एपिसोड के लिए स्टे स्टे रेडी क्योंकि सर के लिए मेरे पास अभी काफी सारे सेंटेंसेस हैं जो मैंने स्पेशली उनके लिए लिखे हैं। कुछ तो बचा बचा लो, लो YouTube पे इज्जत मेरी नहीं नहीं बहुत बहुत इज्जत है सर सो मेक श्योर दैट यू आंसर योर ऑल दीज क्वेश्चन एंड ये जरूर बताना कि इन सारे में से आपके कितने राइट हुए

Yes, exactly. so you know that एक ऐसा चैनल है जहां मिलती आपको फ्री एजुकेशन टू चैप्टॉट हैली फॉर दिस पर्टिक्यूर कोर्स रिमेम्बर वी हैव कवर्ड ऑल एस्पेक्ट्स जिससे आपको इंग्लिश सीखने में काफी हेल्प होगी एंड अब तो टेस्ट भी चल रहे हैं एंड ये वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट आईंग टेस्ट

सेकेंड Share. एपिसोड okay. जरूर देखना है यहाँ पे फर्स्ट एपिसोड के बाद सब्सक्रिप्शन के पैसे नहीं मांगे जाते हैं चलिए टेक केयर बाय